हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि जैसे होता है क्या कि जैसे फ्लिपकार्ट का दो अकाउंट यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करेंगे। जैसे दो नंबर से आप अकाउंट बनाना है बनाए हैं तो एक ही फ़ोन में दो अकाउंट कैसे यूज करेंगे, हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको फ्रेंड अपने होम स्क्रीन पर जाना है। तो होम स्क्रीन पर जाने के बाद अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। मेनू बार के सेटिंग में फ्रेंड जाने के बाद आपको डबल एप्लीकेशन को ऑन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एप्स में जाना है। तो एप्स में जाने के बाद डबल एप्स में जाना है। डबल एप्स में जाने के बाद फ्रेंड आपको स्क्रॉल करते जाएंगे, इस तरह से देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का होता है। डबल एप्लीकेशन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको क्या होता है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देख सकते हैं हमारे ऑन है, हमारे फ़ोन में ऑन हो चुका है। इसके लिए ऑन होने के बाद यहाँ से बैक हो जाएंगे। फ्रेंड बैक होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मेनू बार को ओपन करेंगे। मेनू बार को फ्रेंड ओपन करने के बाद इस तरह से हमारा मोबाइल में डबल एप्लीकेशन को होता है, ऐप्स को ऑन हो चुका है। जो देख सकते हैं दो फ्लिपकार्ट का ऐप्स दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आपको क्या होता है कि डबल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इसमें आप जो नया तरीका बनाना चाहते हैं, नया अकाउंट बनाना चाहते हैं या पहले से आपको अकाउंट बन चुका है उसको आप लॉगिन कैसे होंगे, इसके लिए आपको यहाँ से लैंग्वेज चुनना है। लॉगिन चुनने के बाद आपको नंबर इसमें इंटर करना है जो आपको नंबर इसमें पहले से बना चुके हैं आपको फ्लिपकार्ट अकाउंट का। तो जैसे देख सकते हैं हमारा नंबर पहले से बन चुका है, तो हम अपने नंबर इंटर करेंगे। फ्रेंड नंबर इंटर करने के बाद हमारे नंबर पर फ्रेंड ओटीपी आएगी, जो ओटीपी को हम इंटर करेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड कि जैसे हम दो अकाउंट बनाना चाहते हैं तो एक अकाउंट को लॉग आउट करते हैं, जैसे एक एप्लीकेशन रहेगा तो उसमें हम एक अकाउंट को लॉग आउट करेंगे तो उसके पास से इस नंबर को डालेंगे तो ओपन होगा। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी क्योंकि फ्रेंड उसमें लॉगिन रहेंगे, फिर से डबल एप्लीकेशन ऑन कर लेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक हमेशा लॉगिन होकर दोनों एप्लीकेशन को कभी भी किसी वक्त यूज कर लेंगे। जैसे होता है कि उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, तो इसमें कैश ऑन डिलीवरी रहेगा तो उसमें ऑटोमेटिक इससे भी ऑर्डर करना चाहते हैं कर लेंगे, उससे भी ऑर्डर करना चाहते हैं कुछ ही प्रोडक्ट को तो उससे बारी बारी कर सकते हैं, जो आपको कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड इससे क्या होगा फ्रेंड हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।